हेलो फ्रेंड्स, कुंडली में 12 भाव होते हैं और जो अष्टम भाव होता है वह होता है गुप्त चीजों का, अमानवीय चीजों का। ऐसी चीजें हम जो हमें दिख नहीं सकती है पर वह एग्जिस्ट करती है। प्रथम जो भाव होता है वह हमें स्वयं को दर्शाता है और चतुर्थ भाव जो होता है कुंडली में वह ये दिखाता है कि कंटिन्यूसली हमारा थॉट प्रोसेस किस दिशा में चल रहा है। अब किसी की कुंडली में 1/4 यानी फर्स्ट हाउस का मालिक चतुर्थ भाव के मालिक के साथ युति बना है या फोर्थ का मालिक फर्स्ट के साथ युति बना है, फर्स्ट का मालिक एट्थ के साथ युति बना है, एट्थ का मालिक फर्स्ट के साथ युति बना है, या 4/8 का कॉम्बिनेशन हो या 1/4/8 का कॉम्बिनेशन हो, तो अब उसके जीवन में कुछ विचित्र चीजें घटित होंगी। जैसे मैंने आपको बताया अमानवीय शक्ति, उसे कुछ पूर्वाभास हो सकता है, कुछ अदृश्य शक्तियों का जो है उनसे संपर्क हो सकता है, कुछ देवताओं का, असुरों का, कुछ विचित्र आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई विचित्र नॉलेज जो है ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। ये है इसका पॉजिटिव साइड। अब इसका नेगेटिव साइड ये है कि अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो 1/4/8 या 8/4/1/4 या 1/8, अब यही चीज जो है इंसान को एक साइको बना सकती है। कुछ ऐसी चीजें जो कंटिन्यूअसली इंसान का माइंड जो है, कंटिन्यूअसली इंसान का जो मस्तिष्क है वह इस तरह के थॉट से ऑक्यूपाइड रहता है। रियलिटी और इल्यूशन में डिफरेंस करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली इंसान जब अपने टीन एज में टच करता है तो आप देखेंगे कि अगर इस तरीके का 1/4/1/8 या 4/8 का कॉम्बिनेशन हो तो कई तरह के द्वंद्वों से, विचित्र चीज़ों से, विचित्र थॉट प्रोसेस से इंसान जो है अपने को कॉन्स्ट्रिक्टेड पाता है। तो इस तरीके कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों में दोनों तरह की शक्यता होती है, या ऐसा प्रकार इस तरीके का इंसान जो है लेजेंड बन सकता है, जीवन में कुछ एकदम विलक्षण कर सकता है या टोटल साइको बन सकता है। किसी के भी इसमें अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। थैंक्स।